ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे हम लोग। जरा एक मिनट सब्र करें, एक मिनट। अच्छा आवाज आ रही है सबको मेरी? क्लियर? बस चलो ठीक है, तो ये फिर शुरू करते हैं। हम लोगों ने उस दिन कहाँ पे छोड़ा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को? सर स्टैम्प एक्ट कांग्रेस पे का जो पॉइंट था वहां पर। अच्छा, मुझे इस चीज की टेंशन हो रही है, कैसा ना कोई वेटिंग रूम में हो और मुझे नजर ना आ रहा हो तो फिर अच्छा स्टैम्प एक्ट। ये स्टैम्प एक्ट कांग्रेस। अच्छा ठीक है, चलो सर ऊपर से आते हैं तो फिर जरा में फिर फ्लो बन जाएगा ना। अच्छा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन थे। कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन में जो पहली पॉइंट था वो ये था कि ग्रोइंग डिफरेंसेस ऑफ और मिसपरसेप्शंस थे। आई एम रियली सॉरी आई वाज अवे। ठीक है अच्छा ठीक है, ये बड़ा मसला होने वाला है यार। अच्छा ठीक है ना, तो कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह मतलब ये जो क्या कहते हैं थ्रू डिफरेंट ये क्या कहते हैं उनके दरमियान जो है कॉलोनिस्ट्स के दरमियान और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके दरमियान किस तरह ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो डिफरेंसेस वगैरह जो थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, उसमें फिर हम लोगों ने जो मेन जो चीजें पढ़ी थी जिसका मैंने कहा था पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में इन चीजों को पढ़ना इन एक्ट्स को। ठीक है, उसमें ये था कि उन लोगों जो थे एक्सप्लॉयटेशन थ्रू दीज एक्ट्स, नेविगेशन एक्ट हमने पढ़ा था कि ऑल गुड्स एंटरिंग इंग्लैंड शेल बी शिप्ड बाय ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बाकी सारे एक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि किस तरह डिफरेंट एक्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पास कर रही थी और उसके थ्रू जो है ना वो उनको एक्सप्लॉयट कर रही थी। एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे और लोकल्स जो थे जो कि वो लोग पीछे जो कि इंग्लैंड छोड़ के वहां पे गए हुए थे। ठीक है ना, उनके अपनी मदर कंट्री के साथ वो हो रही थी क्या कहते हैं इख्तलाफात पैदा हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह दो पॉइंट्स हमने ये पढ़े थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह मतलब रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर की वजह से। ठीक है, कैसे जो है ये भी एक कॉज है कि मतलब जिसने रेवोल्यूशन की तरफ लीड की है। ठीक है, यूनिटी विद कॉलोनी, 7 ईयर्स वॉर, ट्रीटी ऑफ पेरिस, अल्बानी कांग्रेस, हमने सब कुछ सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेन मेन जो और चीजें थी वो पॉलिसीज ऑफ पीएम ग्रेनविल थी। ठीक है, वॉर विद फ्रांस लेफ्ट अ हैवी फाइनेंशियल बर्डन, गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू न्यू टैक्सेस व्हिच वर ग्रेटली चैलेंज्ड बाय द कॉलोनिस्ट एंड अल्टीमेटली लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज, रॉयल प्रोक्लेमेशन हमने पढ़ी थी, क्वार्टरिंग एक्ट हमने पढ़ा था, स्टैम्प एक्ट पढ़ा था, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब
चलो हम जब इसको स्टैंप एक्ट से लेके चलते हैं ना, तो स्टैंप एक्ट को जरा फिर से पढ़ लेते हैं कि स्टैंप एक्ट था क्या। स्टैंप एक्ट ये था कि जो जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी उसमें होनी थी, क्या कहते हैं कॉलोनीज में, इन 13 कॉलोनीज में होनी थी, ठीक है। तो इन लोगों ने स्टैंप एक्ट क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1765 में स्टैंप एक्ट जो है वो पास किए, और वो ये था कि जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगी कॉलोनीज में, इट हैड टू बेयर स्टैंप, ठीक है ना। और 13 कॉलोनीज में मतलब जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, मतलब इन लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि एक साल में हम लोग तकरीबन $100,000 जो है ना, इस सिर्फ इस एक एक्ट के थ्रू जो है ना, हम लोग इस वो करेंगे क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करेंगे इससे, ठीक है। तो ये स्टैंप एक्ट था, तो ये जो है ना इसके बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर सवाल वगैरह में भी कहीं ना कहीं पे इसके साथ लिंक दिया हुआ होता है या इसी से पूछा हुआ होता है। तो इस चीज को थोड़ा देखें, मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा, इसने आप लोग थोड़ा और भी इसको डिटेल में पढ़ लेना। तो ये स्टैंप एक्ट जो था मतलब ये जो है, फिर इसमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हुई थी कॉलोनिस्ट क्या कहते हैं जो जो भी वहां पे जो अमेरिकन थे उनकी तरफ से, ठीक है। अच्छा स्टैंप एक्ट कांग्रेस, फिर इन लोगों ने मतलब स्टैंप एक्ट जो आई है तो उसकी वजह से फिर इन लोगों ने, जिस तरह पहले इन लोगों ने अल्बानी कांग्रेस जब इन लोगों ने वो की थी, समन की थी, ठीक है ना। तो इसी तरह इन लोगों को तो पता चल गया था कि हम लोग जब कॉलोनीज एक साथ हो जाए तो हम जितना भी कोई भी फॉरन डेंजर होगा ना, तो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने अब ये इनको तब इस बात की रियलाइजेशन हो गई थी, तो अब अपनी मदर कंट्री या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए इन लोगों ने जब फिर है ना क्या किया था कि स्टैंप एक्ट कांग्रेस जो थी ना, इन लोगों ने फिर वो क्या कहते हैं उसको बुलाया सेशन में। उसमें जो था अक्टूबर 1765 में ये हुई थी, 13 में से 9 स्टेट्स जो थे वो न्यूयॉर्क में मिली थी, उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवियंसेस जो था वो पब्लिश किया था, और उसमें उन लोगों ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको चैलेंज किया था और ये कहा था कि मतलब ये जो हमारे ऊपर टैक्सेस इम्पोज करते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनली है, मतलब इनके पास किसी किस्म का कोई भी हक नहीं है कि ये हमारे ऊपर जो है ना टैक्स लगा सके। मतलब मेन बात हुई है कि मतलब एक फाइट चल रही थी कि किसका कंट्रोल होना चाहिए कॉलोनीज के ऊपर। जो लोग के कॉलोनीज में रह रहे थे वो लोग ये चाह रहे थे कि उनके पास सेल्फ गवर्नमेंट हो, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उनका हो, ठीक है ना। ठीक, हमारी कुछ ना कुछ वो होगी अपनी मदर कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, हम उनके साथ मतलब कॉर्डियल रिलेशंस लेकर चलेंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो फिर उनके अंदर जो है ना वो एक रिफ्ट वगैरह पैदा हो गई थी, ठीक है। तो जो कॉलोनीज में जो लोग रह रहे थे वो चाहते थे कि हमें सेल्फ गवर्नेंस मिले, ठीक है, उनके ये वो लोग ये चाहते थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, वो लोग ये चाहते थे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो इम्पीरियल कंट्रोल है ना वो कॉलोनीज के ऊपर आए, हम जितना हो सके हमसे हम इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें और इकोनॉमिक डिविडेंड्स हमें मिले, हम इनके रिसोर्सेज लेकर जाएं, हमें मतलब बस हमें इस तरह का सारा फायदा जो है ना वो हमें हो, और ये लोग इस तरह रहे जैसे हमारे गुलाम बन के, ठीक है ना। तो जब ये सारा यहाँ तक आप लोगों को अगर पुरानी अगर बातें नहीं है याद तो फिर जरा पूछ लो, तो फिर मैं इस चीज को थोड़ा फिर मैं वापस डिटेल में तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ कि अगर पुरानी बातें तुम लोगों को नहीं याद, अभी तो मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा समराइज करके बता दिया। नहीं सर, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, किसी के जी 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 इमन, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कट कट के आ रही है, आप ऐसा करें मैसेज में लिख दें कि क्या आप क्या कहना चाह रही हैं, चैट से भेजवा दें कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप मैसेज कर देना चैट पे भेज दे तो वहां पे क्या हुए, क्या कह रही है, किसी को ऐड करने का बोल रही है, कोई वेटिंग रूम में होगा, किसी को ऐड करने का बोल रही है, किसी को ऐड करने का वेटिंग रूम में, तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। बस करें सर, कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, सही है, क्योंकि अगर कोई हो तो फिर आ जाता है ना। नेबल वेटिंग रूम, यू हैव डिसेबल्ड द वेटिंग रूम, चलो शुक्र, अब ये तो मसला ही हल हो गया। अच्छा ठीक है,
अगर कोई अच्छा जैसे चैट में भेजे किसी एक्ट का बता रही है शायद, अब इसका माइक जब भी बात करती है इसका बहुत कट कट के मुझे आवाज आती है, फिर आप वो कर दिया करें ना, हाँ माँ जबीन बोले आप क्या कह रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी कोई सवाल हो तो चलो पूछ लो तुम लोग, लेकिन मैं आगे जाता हूँ, खैर बीच में फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो स्टैम्प्ड एक्ट कांग्रेस, अच्छा ये सन्स ऑफ लिबर्टी जो है ना, अच्छा अब ये इसके बारे में सुनो। सन्स ऑफ लिबर्टी इस तरह था कि ये जो थी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, वो थी क्या कहते हैं कॉलोनीज में, ठीक है ना, ये स्टार्ट हुई थी कनेक्टिकट से, ठीक है, और ये होते होते ये जो है ना क्या कहते हैं और सारी कॉलोनीज में है ना इसने स्प्रेड आउट कर लिया था। ये लोग ये कहते थे कि बस हमें लिबर्टी चाहिए, ठीक है, हमारी जो मतलब प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जो लैंड जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं हमारा पूरा कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए, और हमने किसी किस्म के कोई भी टैक्सेस नहीं देने, ठीक है। और इन लोगों ने इतना क्या कहते हैं ये स्टैम्प एक्ट की वजह से इन लोगों ने इतना क्या कहते हैं तबाही वगैरह या जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह किए ना, कि जो इंग्लिश के जो लेजिस्लेचर जो भी क्या कहते हैं स्टेट्समैन जो थे, ठीक है, जो पार्लियामेंट में जो बैठते थे वहाँ के, उनकी वो जो सिंपथी जो थी ना वो कॉलोनिस्ट के साथ हो गई थी। और इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, स्टैम्प एक्ट जो था ना ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से रिपील हो गया था, ठीक है, हालांकि ये मुझे लगता है उस वक्त का जो किंग था वो चाह भी नहीं रहा था कि मतलब इसकी ये कहता है वापस हो, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाए स्टैम्प एक्ट, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी ने इतना हल्ला गुल्ला किया कॉलोनीज के अंदर, ठीक है ना, और क्या कहते हैं इसके खिलाफ मतलब इन लोगों ने पूरी की पूरी जो 13 की 13 जो कॉलोनीज थी वो एक पेज पे आई हैं, ठीक है जी। कुछ कुछ कहना, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा तो उसकी वजह से जो है अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं ये जो स्टैम्प एक्ट जो था ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर रिवर्स हो गया था, ठीक है। तो इस ये भी जो थी ना ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन विक्ट्री थी, मतलब ये कॉलोनीज की एक अपनी विक्ट्री थी कि हम लोग जो है हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, और जो जो चीज हम लोग चाहते थे ना वो ये हुई थी। तो स्टैम्प एक्ट, ठीक है, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस, ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं सन्स ऑफ लिबर्टी जो है, ठीक है ना, ये आप लोग इसको थोड़ा एक साथ पढ़ने, दो तीन चीजें जो है ना ये आपको थोड़ा मिला के पढ़ना, तो आप लोगों को थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों का थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा पढ़ रहे हैं, ये याद रखो कि मतलब क्या हम ये कॉजेस पढ़ रहे हैं, रेवोल्यूशन आई क्यों थी, मतलब ये सारी जो है ना ये सारी आप लोग उसमें ले आए। अब सन्स ऑफ लिबर्टी का जो है मतलब ये कोई खास कॉज उसकी नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अपने नोट्स थोड़े इस तरह बने हुए थे तो शायद ये मैंने इसलिए थोड़ी इसकी नंबरिंग वगैरह इस तरह की हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये हैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिर जब पेपर में तुम लोग जिस किस्म की भी हेडिंग देना चाहते हो ना वो फिर तुम लोग दे देना, ठीक है। अब ये जो है पीएम टाउनशेड एक्ट, ठीक है ना, उसके कौन कौन से एक्ट से और क्या हिसाब था, ये पीएम ग्रेनविल के बाद, ठीक है। अच्छा उसने टैक्सेशन जो है वो ज्यादा कर दिया, ठीक है, क्या कहते हैं न्यू इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन मेनी आइटम्स एंड फी स्पेसिफिकली, ठीक है, द अमाउंट जनरेटेड वाज टू बी यूज्ड फॉर पेइंग सैलरीज ऑफ कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड दस फ्रीइंग देम फ्रॉम लेजिस्लेटिव डिपेंडेंस, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, न्यूयॉर्क असेंबली। अच्छा ठीक है, ये जो पीएम टाउनशेड जब आया ना इसने और ज्यादा टैक्सेशन कर दिया, ठीक है, टैक्सेस भी और लगा रहे हैं, और जो टैक्सेस वहां से उनको कॉलोनी से मिल रहे थे ना, और कॉलोनी के अंदर जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो होते थे वहीं से पैसे लेके जो वहां पे गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, और जो टैक्स जनरेशन वगैरह है ना, वो उनकी सैलरीज जो वहाँ के ऑफिशियल्स जो थे या सिविल सर्वेंट्स जो भी आप उनको कहना चाहते हैं, ठीक है ना, उन इनसे पैसे लेते थे, इनसे टैक्स लेते थे और उनकी सैलरीज देते थे उनको, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। फिर इसने क्या किया, टैक्सेस भी ज्यादा कर ली है, ठीक है, इसने वो भी ज्यादा कर दिया, क्या कहते हैं ये मतलब गवर्नमेंट मशीनरी वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कुछ होल्ड जो था ना वो इसने ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फिर ये मैंने अच्छा न्यूयॉर्क असेंबली रिफ्यू, अच्छा जब इसने जो वो किए ना क्या कहते हैं इतने ज्यादा से जो टैक्सेस वगैरह लगाए तो न्यूयॉर्क असेंबली जो थी मतलब जो इनकी जो लोअर हाउस होता था उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग ये जो आपके जो एक्ट्स वगैरह ये हम लोग
अपने ऊपर मतलब हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उसने एक डिक्लेरेटरी एक्ट वो किया, क्या कहते हैं, पास किया, और उसकी जो न्यूयॉर्क असेंबली की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी ना, क्या कहते हैं, लॉज बनाने की फॉर द न्यूयॉर्क कॉलोनी, वो जो है ना उसने उसमें से ले ली थी, ठीक है। और जो गवर्नर जो था ना, वो जो है उसको थोड़ा ज्यादा मतलब फ्री हैंड दे दिया था। असल में बात ऐसी होती थी, जो गवर्नर जिसकी जिस कॉलोनी का भी गवर्नर जो होता था ना, उसकी जो तनख्वाह वगैरह जो उसको मिलती थी, वो जो है ना क्या कहते हैं, कॉलोनी से ही मिलती थी उसको। तो कहीं पे इस तरह होता था ना कि गवर्नर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती थी, जो लोअर हाउस होता था, ठीक है, उसका आपस में जो इंटरेस्ट जो है ना क्लैश हो रहा होता था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जो लोअर हाउस होता था, उसके पास पावर होती थी ना, तो वो ये करती थी कि गवर्नर को उसकी जो पे वगैरह होती थी ना, वो उससे ले लेती थी, मतलब उसको आगे नहीं देती थी, ठीक है ना। तो ये इनके पास एक बहुत बड़ी है, क्या कहते हैं, एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी पावर थी इनके पास, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी पावर थी कि अगर गवर्नर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करता था, तो उसकी पे रोक लेते थे, ठीक है ना। तो जब जब क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क असेंबली से जब इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई है ना गवर्नर को, तो उसकी फिर पे मिलनी मिलनी थी। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट जो थी ना उसके ऊपर, सेल्फ गवर्नमेंट जो थी उसके ऊपर थोड़ा उनको वो आ रहा था, क्या कहते हैं, वो कम हो रही थी और गवर्नर को ज्यादा पावर्स मिल रही थी। अगर किसी ने कुछ बोलना है तो बोल दे, और अगर नहीं बोलना है तो ये क्या कहते हैं, माइक म्यूट कर दो अपना। सुंदर सुरजवेरिया, अच्छा ठीक है, यहां तक अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछो जरा। ये हशाम भाई, ये जो टाउनशेंड का जो मतलब ये जो लेजिस्लेशन की हुई है ना इन्होंने, ये उसी के रिफ्लेक्शन में है, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस के रिफ्लेक्शन? नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज है। देखो मैं समझाता हूँ अभी तुम लोगों को, ऊपर से जो तुम लोग पढ़ोगे ना, अच्छा देखो, पॉलिसीज ऑफ पीएम ग्रेनविल आ गई है, ठीक है। इसके अंदर ये तो जो है ना, ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड टाइप हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763 एक उसकी पॉलिसी थी, ठीक है। The Quartering Act जो था 1765, ये उसकी एक पॉलिसी थी, ठीक है। The Stamp Act जो था, ये भी इसकी एक पॉलिसी थी। लेकिन Stamp Act जो है ना, इसको तुम एक सेपरेट इवेंट भी ये है और इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस भी है। तो अगर Stamp Act जो है ना, पीएम ग्रेनविल की पॉलिसी थी, लेकिन उसके क्या कहते हैं यार, एक तो दिमाग से लफ्ज ही निकल जाता है। और ये जो स्टैम्प्ड एक्ट जो है, स्टैम्प्ड एक्ट कांग्रेस जो है, और जो सन्स ऑफ लिबर्टी जो है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये जो दो तीन चीजें हैं ना, ये एक जरा एक साथ पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि इंटर कंबाइंड है, ठीक है ना, मतलब ये एक ही चीज की कहानी है, ठीक है। उसमें उसमें ये है, सर आप प्लीज इन सबको म्यूट कर दें, सर आप इनको म्यूट ऑल कर दें, सर बोलोगे। अच्छा ठीक है ना हसीब, तो जी अच्छा, आप सही है, सही ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इनके साथ ये दो दो तीन, ये जो दो ये 6.6 और 7 जो है ना, ये थोड़ा इसके साथ थोड़ा मिला के पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही चीज के जो है ना कंटिन्यूएशन है। लेकिन इसको ये है कि स्टैम्प एक्ट कांग्रेस का तुम क्या कहते हैं, इंडिविजुअली भी इसको एक कॉज कह सकते हो, जो सन्स ऑफ लिबर्टी जो है ना, इसको भी तुम इंडिविजुअली एक कॉज ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको 6 और 7 पे फिर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, ठीक। फिर अच्छी पीएम टाउनशेंड, वो मैंने इसलिए पूछा ना जी, ये जो टाउनशेंड का जो इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी थी, मैं समझे ये जो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना उसके अंदर, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ, तो मैंने समझा ये उसको मतलब कोई पनिश वगैरह या कोई जोर दबाव के लिए ये इन लोगों ने ये वाला पास। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं देखो, वो जो है ना उसकी कहानी, जो ग्रेनविल की कहानी है ना, वो तो वहां पे फिर मतलब खत्म होगी, फिर उसके बाद ये बंदा आया, ठीक है, इसने आके और टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, ठीक है, टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, नई इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाई हैं, और वो जो टैक्सेस ये कलेक्ट कर रहा, तो उन टैक्सेस से ये उनकी जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, मतलब जो अपना इम्पीरियल कंट्रोल ज्यादा करने के लिए उसने जो वहाँ पे इंक्रीज्ड ऑफिशियल्स और भी लगाए हैं ना, उसकी मतलब कॉलोनी से उनकी रेवेन्यू जनरेट करके उनकी तनख्वाहें दे रहा था। तो इस चीज को जो है ना न्यूयॉर्क असेंबली ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग इस चीज को नहीं मानते। तो जब इस चीज को हम लोग नहीं मानते, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये किया
एक डिक्लेरेटरी एक्ट जो है ना वो पास की है कि, और न्यूयॉर्क असेंबली की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी ना वो ले ली थी. अब इसका मसला ये था कि मैं है ना पोके जो गवर्नर की जो पे होती थी ना वो ये क्या कहते हैं लेजिस्लेचर वगैरह जो है ना वो उसके ऊपर डिसाइड करता था, और फिर कॉलोनी से ही आती थी तब वो डिसाइड करता था कितनी पे होनी चाहिए, ठीक है इसको हमने देनी है नहीं देनी है. तो अक्सर इस तरह होता था कि अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती थी और गवर्नर अगर उनके बीच में कोई इख्तिलाफ आ जाता था ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती थी ये उसकी तनख्वाह रोक लेती थी कि इसको गवर्नर को लोग प्रेशराइज कर सके हमारी बात मानने के लिए. तो क्योंकि अब जब लेजिस्लेटिव पावर्स ही उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने न्यूयॉर्क असेंबली की ले ली थी ना तो ये जो पावर थी उसके पास, ठीक है न्यूयॉर्क असेंबली के पास, तो ये जो है ना उससे छीन ली गई थी. तो इसकी वजह से जो है ना अब गवर्नर जो था ना वो ज्यादा आजाद हो गया था कि वो असेंबलीज के असेंबलीज को अपोज कर सके और वही काम करे जो कि उसका दिल चाहता है, ठीक है ना. तो मतलब वही बात हो गई कि सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर जो है ना एक ज्यादा वो हो रही थी, मतलब सेल्फ गवर्नेंस उनसे और भी छीनी जा रही थी, ठीक है. तो ये जो है ना यहाँ तक बात हो जाती. अच्छा फिर अब यहाँ से सबक करो. अच्छा अब यहाँ से जो है ना थोड़ा किस्सा जो है ना और इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो जरा ज्यादा उसकी तरफ जो है ना जाना शुरू हो जाती है, ठीक है. रेजिस्टेंस टू टाउनशिप प्रोग्राम्स जो है तो ये जो है इन लोगों ने जो है ना फिर बड़ी ठीक ठाक जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना शुरू कर दिया, ठीक है. तो ये जो है ना पूरी कॉलोनीज में तो इन लोगों ने जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे ना क्या कहते हैं ब्रिटिश गुड्स जो थे उसकी नॉन इम्पोर्टेशन शुरू कर दी थी कि मतलब हम लोग ब्रिटिश गुड्स को इम्पोर्ट नहीं करेंगे कॉलोनीज में, ठीक है. फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड एट बॉस्टन बाय 1769 नियरली ऑल कॉलोनीज अडॉप्टेड द प्लान. John Dickinson essay letter titled Letter from a Farmer in Pennsylvania to the Inhabitants of the British Colonies. अब इसमें इसने ये लिखा था ना कि इसने मतलब वही बात की हुई थी कि इसने कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉलोनीज को जो है ना उसको टैक्स कर उसके ऊपर टैक्स लगा सके, उससे टैक्स कलेक्ट कर सके, और ये सारी चीजों को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, ठीक है. और दूसरा इसमें जो न्यूयॉर्क असेंबली की जो लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली थी ना उसकी सस्पेंशन को इसने बड़े ठीक ठाक तरीके से क्या कहते हैं क्रिटिसाइज किया हुआ था उसके अंदर. दूसरा उसने ये कहा हुआ था कि मतलब इट इज अ ब्लो टू द लिबर्टीज ऑफ ऑल द कॉलोनीज, मतलब आप जो हैं कॉलोनीज के पास जो थोड़ी बहुत पावर अब आप लोग उससे वो भी लेना चाह रहे हैं. तो इस तरह जो है ना मतलब रेजिस्टेंस टू टाउनशिप प्रोग्राम में तुम लोगों ने ये जो लेटर टाइटल जो था ना इसको तुम लोग वहां पे कोट कर सकते हो पेपर में, और ये जो नाम है ना ये याद रखो तो यहाँ पे तुम लोग फिर उसको है ना तुम लोग कोर्ट कर सकते हो. तो इस टाउनशिप की जो पॉलिसीज वगैरह थी ना उसमें जो पहली रेजिस्टेंस थी ना वो तो ये हो गई थी, ठीक है. अच्छा इसके बाद जो है ना इन लोगों ने जो है कोई सर्कुलर लेटर वगैरह जो था वो इन लोगों ने वो किया है, उसमें जो था ना मतलब फॉर्मल प्रोटेस्ट थे उसके बाद, ठीक है ना. ये जो सर्कुलर लेटर इन लोगों ने कुछ इस तरह लिखा था कि मतलब इन लोगों ने जितनी भी कॉलोनीज थी ना कॉलोनीज की जितनी भी असेंबलीज थी उस पे इसको भिजवाया गया, वहां पे इसको एंडोर्समेंट मिली है, ठीक है ना. एंडोर्समेंट मिलने की वजह से है ना जब मतलब 13 मतलब वो हो रहा था कि 13 की 13 कॉलोनीज जो है ना वो एक पेज को ऊपर आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. एज अ रिजल्ट किंग ने क्या किया कि पहले तो सिर्फ न्यूयॉर्क असेंबली को वो किया हुआ था क्या कहते हैं उसके लेजिस्लेटिव पावर्स ली हुई थी उसने, उसके बाद जो है ना सारी की सारी असेंबली से जो है ना वो वाली पावर ले ली थी. मतलब पावर क्या ली थी कि मतलब उनको बिल्कुल वो कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है. मतलब अपनी तरफ से मतलब वो लोग वहां से ये एक्ट्स वगैरह पास कर रहे थे. अच्छा दूसरा जो है क्या कहते हैं इसमें एक और होता है एक और चीज है बॉस्टन मैसेकर, ठीक है ना. अच्छा इसमें ये हुआ था कि 1768 में अच्छा ये है ना जब इस मैंने भी आपको कहा कि इंक्रीज्ड गवर्नमेंट मशीनरी वगैरह आई थी और इससे पहले हम लोगों ने क्वार्टरिंग एक्ट वगैरह पढ़ा था जिसमें उन लोग ज्यादा से ज्यादा फौजी लेकर आ रहे थे कि मतलब रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन वगैरह में इनको कोई मसला वगैरह ना हो, ठीक है ना. इस तरह एक कस्टम कमिश्नर का एक घर था उसके बाहर जो है ना क्या कहते हैं काफी ज्यादा लोग जो थे ना वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे. वो लोग जब वहां पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें ये हुआ कि जो सोल्जर्स थे ना वहां पे उनका एक कैप्टन था उसने ये किया कि उसने वो क्या कहते हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं फायरिंग कर दी. फायरिंग के रिजल्ट में जो है ना क्या कहते हैं डेथ्स वगैरह हो गई. तो फिर अब ये हुआ कि उनको कॉलोनीज में ही
उनको कोर्ट में ले जाने की बजाय वो लोग जो है ना क्या कहते हैं उसको, मुझे लगता है लेकर गए थे वापस अमेरिका और उनको वहां पे कोर्ट में क्या कहते हैं ट्रायल तो उनको हुआ है ठीक है ना, लेकिन वो जो ट्रायल जो उनको हुआ था वो उस हिसाब से मतलब उन्होंने जितना बड़ा जुल्म किया था उसके उस हिसाब से उनको सजा नहीं मिली। जब उनको उस हिसाब से सजा नहीं मिली तो अमेरिकन जो थे उनको तो ये लगना शुरू हो गया था कि अब तो ये लोग जो है हमारे ऊपर वायलेंस भी हमें सप्रेस करने के लिए हमारी क्या कहते हैं अब वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये होगा कि हम उनको मतलब बाद में सजा भी नहीं मिलने वाली है, मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि मतलब नाउ दे हैव रिजॉर्टेड टू वायलेंस अगेंस्ट अस ठीक है, एंड इट वुड द वायलेंस वुड बी यूज्ड टू क्वेल देयर वॉइसेस। तो जो नॉन कॉपोरेशन जो एक शुरू हो गई थी ना मतलब पूरी कॉलोनीज में और लोग जो प्रोटेस्ट वगैरह जो कर रहे थे मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शिद्दत जो है ना इख्तियार कर रही थी ठीक है। अच्छा तो ये जो है तो ये जो सारी बात है ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी को की समझ ना आई हो तो ये जरा अच्छा ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना ये थोड़ा बड़ा है ठीक है, ये हो सकता है तुम लोगों का थोड़ा टाइम भी ले ले तो, लेकिन ये है इसमें अच्छी बात ये कि मतलब ये बस किससे कहानी है ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है। यहाँ तक अगर कोई समझ वगैरह ना आया किसी बात के ऊपर कोई एम्बिग्विटी हो, हाँ हो रिया बोले अच्छा चलो ठीक है सही है। तब ये सर्कुलर अच्छा शुरू से सबर करो अगर ऊपर से आते हैं ठीक है। अच्छा टाउनशिप एक्ट ये हुआ है ठीक है, उसने ज्यादा फर्दर टैक्सेशन न्यूयॉर्क असेंबली वगैरह की पावर्स वगैरह ली है ठीक है, रेजिस्टेंस आई है ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से उसने वो लेटर लिखा है ठीक है, लेटर लिखा है सारी कॉलोनीज वगैरह जो हैं एक पेज के ऊपर आ रही थी सर्कुलर लेटर पे हुए सारी क्या कहते हैं असेंबलीज ने उसको एंडोर्स किया है, तो उसकी वजह से किंग ने जो क्या किया किंग ने सारी की सारी असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया ठीक है। और उसके बाद इसी के साथ जो है ना ये बॉस्टन मैसेकर जो है ना ये भी क्या कहते हैं मतलब मुझे लगता है इसका भी हवाला दिया जाता है अक्सर क्वेश्चंस में अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हुए हों ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो है ना राइज ऑफ द रेडिकल जिस तरह हमने ऊपर वो पढ़ा है ना क्या कहते हैं क्या नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी ठीक है ना, तो उसी तरह ये राइज ऑफ द रेडिकल है ना ये तुम लोग मतलब उसी के हिसाब से ले लो ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को पहले वो पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि 1/3 जो लोग थे क्या कहते हैं वो ये चाहते थे मतलब जो अमेरिका में जितनी भी पॉपुलेशन थी वो जो है ना तीन हिस्सों में डिवाइड हुई थी ठीक है, एक हिस्सा ये था वो ये लोग ये चाहते थे कि लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर रहे हो, हम लोगों को जो है ना इनसे अलग हो जाना चाहिए और अपना मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कॉलोनीज के ऊपर। दूसरे जो थे उनको कंजर्वेटिव कहा जाता था या लॉयलिस्ट कहा जाता था, वो लोग ये चाहते थे कि इन लोगों ने हमारे साथ जितनी भी ज्यादतियां वगैरह की हम उसको भूल जाएं और मतलब नए सिरे से इनके साथ कॉर्डियल रिलेशंस जो है ना वो हम लोग रखें। और जो 1/3 जो बाकी की आवाम थी ना वो कंफ्यूज थी कि हम लोगों को इस तरफ होना चाहिए या उस तरफ होना चाहिए ठीक है ना। तो ये जो रेडिकल्स थे ना रेडिकल्स लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंज रिलेशंस बिटवीन द कॉलोनिस्ट एंड द ब्रिटिशर्स ठीक है ना। और जो कंजर्वेटिव्स थे कंजर्वेटिव्स वांटेड द पीपल टू फॉरगेट द अनप्लेजेंटनेस कॉज्ड बाय ग्रेनविल एंड टाउनशिट, मतलब ये जो ग्रेनविल और टाउनशिट की पॉलिसीज के बाद जो है ना मतलब ये जो इनकी जो रेजेंटमेंट थी और इनके आपस में जो रिलेशंस है ना वो और भी ज्यादा खराब हो गए, मतलब इतने हद तक खराब हो गए कि सारी की सारी कॉलोनीज जो है ना एक पेज के ऊपर आ रही थी ठीक है ना। ये स्टैम्प एक्ट जो का हो गया, बॉस्टन मैसेकर हो गया, ये सारी चीजें मतलब वो बड़ी बड़ी चीजें ठीक है ना, ये जो की सारी आवाम को ना एक साथ लेकर आ रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और इंपीरियल कंट्रोल के खिलाफ ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जो है ना ये जो राइज ऑफ द रेडिकल्स ठीक है, तो जो रेडिकल्स जो थे मतलब इसको तुम लोग सन्स ऑफ लिबर्टी टाइप ये लोग मतलब प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करना ठीक है ना। अब इन लोगों ने क्या किया क्योंकि ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट जो थी वो रेडिकल्स की थी, एक स्कूल ऑफ थॉट जो थी कंजर्वेटिव्स की थी, और ये जो है ना हर कॉलोनी में कुछ ना कुछ मतलब कुछ लोग रेडिकल्स की तरफ होते थे कुछ लोग जो होते थे कंजर्वेटिव होते थे। तो फिर जो है ना ये जो मैसाचुसेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना इसमें इनके जो है ना इलेक्शन वगैरह हुए हैं, जब इलेक्शन वगैरह हुए तो वो जो है ना रेडिकल्स उसमें हार गए, लेकिन रेडिकल्स ने उसके बाद ये किया ना इलेक्शन हारने के बाद उन लोगों ने ये किया कि उन लोगों ने इस किस्म के पहले तो ये लोग सिर्फ होते थे रेडिकल्स ट्राइड टू कीप द एगिटेशन अलाइव फ्रॉम द कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन 1772 इन बॉस्टन, विद इन 2 years all the colonies had their respective committees of correspondence, मतलब इन लोगों ने इस तरह किया
कि वहां पे तो ये लोग हार गए, चलो इलेक्शन तो ये लोग हार गए हैं, लेकिन इन लोगों ने इस तरह किया कि जो सारी की, मतलब इन लोगों ने सारी की सारी कॉलोनीज, जो 13 कॉलोनीज थी ना, दो सालों के अंदर अंदर इन लोगों ने कमिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना वो पहले बॉस्टन में बनाई और फिर उसको स्प्रेड आउट किया कि सारी की सारी कॉलोनीज में, कि कल तो अगर इसी, मतलब कल तो है ना हम लोग यूनाइट हो सकें इनके खिलाफ, और मतलब हर कॉलोनी में जो है ना रेडिकल्स की एक रिप्रेजेंटेशन हो और उनका मतलब एक वो हो, क्या कहते हैं, एक ग्राउंड हो उनके पास कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब आपस में यूनाइटेडली जो है ना, मतलब अगर एक कॉलोनी में, एक कॉलोनी में कुछ इस तरह होता है, क्या कहते हैं, आगे पीछे, मतलब ये लोग यहाँ से कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते तो अगर उसमें इन लोगों ने स्प्रेड आउट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लाने के लिए, तो ये जो बाकी की जो कम्युनिटीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो बाकी कॉलोनीज में जो है ना उसके साथ उनको ये कन्वे कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए 13 की 13 कॉलोनीज में जो है ना, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह शुरू कर सकते हैं। और ये आप लोग जब किताब पढ़ेंगे तो ये लोग बहुत अजीब अजीब किस्म के काम करते थे। फिर इसमें ये जो है ना, ये टी एक्ट और जो बॉस्टन टी पार्टी है ना, बॉस्टन टी पार्टी जो है, ये जो है ना, ये भी अभी आप लोग जरा देखेंगे, ठीक है। तो ये रेडिकल्स जो थे ये बड़े ज्यादा क्या कहते हैं, शरपसंद किस्म के लोग थे, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसके बाद एक और ये है, ये भी एक बहुत, ये भी कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन में आता है, ठीक है, टी एक्ट एंड बॉस्टन टी पार्टी। अब ये 1772 में हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें ये हुआ था 1772 में के जो, क्योंकि टी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थी ना, तो ये लोग हमेशा टी, ये जो चाय वगैरह की जो इम्पोर्ट वगैरह होती थी ना, उसको रेगुलेट करते रहते थे, उसके ऊपर नई नई इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाते रहते थे, एक टोबैको के ऊपर, एक टी के ऊपर और बाकी के जो लग्जरी आइटम्स है, ठीक है। तो उस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो असल में ये होने वाला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना बिल्कुल बैंककरप्ट होने वाली थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए उन लोगों ने ये काम किया कि एक तो रिविजन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज की है टी के ऊपर, और दूसरा EIC को इन लोगों ने पूरी की पूरी मोनोपोली दे दी थी टी ट्रेड के ऊपर जो कि अमेरिका से हो रही थी, ठीक है ना। तो अब इस तरह हुआ है कि इसकी वजह से जब मोनोपोली आपने सारी की सारी EIC को दे दी, तो जो वहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स वगैरह थे, ठीक है ना, तो वो तो मतलब उनके पास तो फिर कुछ रहा ही नहीं है, मतलब अब वो लोग किस तरह ट्रेड वगैरह करेंगे, मतलब इट हैंडीकैप द ट्रेडर्स, ठीक है ना। तब रेडिकल्स ने ये किया कि क्या कहते हैं, ये बहुत सारी जो टी थी ना, द रेडिकल्स थ्रू 342 चेस्ट ऑफ टी इन टू द सी एट बॉस्टन वर्थ ऑफ $15,000 एंड हेड पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स। मतलब अब उसके ऊपर क्या कहते हैं, ये जो बॉस्टन पोर्ट था ना, इसके ऊपर आई है 342 चेस्ट ऑफ टी। अब इसका ये हुआ, और उसकी जो अपनी मतलब पर्सनल इंटरेस्ट थी उसके अंदर गवर्नर की जाहिर बात है कुछ ना कुछ उसका कोई हिस्सा होगा उसके अंदर, कोई भी इस तरह इस किस्म की बात होगी। तो रेडिकल्स ने क्या किया, ये क्या हुआ है, सर ये आप ऊपर जाएंगे वहां पे एनोटेशंस हैं, ठीक है, उसके साथ 3 डॉट्स हैं, पहले आप एनोटेशंस को जाके सारी डिलीट करेंगे इधर से, ये इनको समझ नहीं आती सर, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं। अच्छा चलो बस, चलो दफा करो, ठीक है ना। अच्छा पढ़ो बस। अच्छा ठीक है, तो इस तरह हुआ है कि क्या कहते हैं, ये जो इन लोगों ने जाके जो है ना, ये 342 चेस्ट और जो टी थी ना, ये इन लोगों ने जाके जो है ना उसमें घिरा दिए। उसके बाद जो गवर्नर ने ये कहा था कि जब तक उसने फिर पता नहीं कोई या शायद नीचे, हाँ बॉस्टन पोर्ट बिल, अच्छे मैंने लिखा हुआ, ठीक है ना, तो ये फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर जो है ना, फिर एक और आप लोग हेडिंग दे सकते हो, इनटॉलरेबल एक्ट्स, ठीक है ना, इसमें अब ये सारे जो एक्ट्स हैं ना ये आते हैं। इसके बाद जो है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो जो है ना और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो करना शुरू हो गई थी, मतलब इनके ऊपर प्रेशराइज करना इनको शुरू हो गई थी। तो फिर इन लोगों ने जो है ना बॉस्टन पोर्ट बिल, फिर एक एक्ट वगैरह जो है इन लोगों ने पास किया। उस एक्ट में ये था कि जो द क्लोजर ऑफ द पोर्ट ऑफ बॉस्टन अंटिल द प्रोविंस ऑफ मैसाचुसेट्स पेड फॉर द लॉस्ट टी, मतलब जितना भी ये $15,000 थे ना, जब तक कि हम लोग थ्रू रेवेन्यू, थ्रू टैक्सेस या बाय एनी अदर मींस, जब तक कि हम लोग इसको वो नहीं क्या कहते हैं, रिट्रीव नहीं कर लेते हैं ना, तो तब तक जो बॉस्टन का पोर्ट है ना, हर किस्म की ट्रेड के लिए इन लोगों ने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या कहते हैं, मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट, जिस तरह कॉलोनाइजेशन में पढ़ा था ना कि रॉयल चार्टर अनर्ल्ड वगैरह,
ठीक है ना, उसको जो है खत्म कर रहे थे, इंपीरियल कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा लेकर आ रहे थे हर कॉलोनी में। तो मैसेच्यूसेट्स गवर्नमेंट में जब ये हुआ था ना, तो वो ये था कि मैसेच्यूसेट्स गवर्नमेंट एक्ट ये लोग लेकर आए, रॉयल चार्टर इन लोगों ने खत्म कर दिया, एंड इट केम डायरेक्टली अंडर द क्राउन एंड द गवर्नर। ठीक है, फिर इसके बाद एक और था गवर्नमेंट ऑफ जस्टिस एक्ट। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें यह था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे ना, इनने अगर कोई आगे भी मतलब इन लोगों से अगर कोई किसी भी किस्म का कोई भी क्राइम वगैरह हो जाता है, तो ये लोग वापस ले जाए जाएंगे इंग्लैंड, और वहां पे जाके ये लोग कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ठीक है ना, और ये जो क्या कहते हैं मतलब अमेरिका में इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई भी ट्रायल वगैरह नहीं होना। ठीक है, तो अब ये कितनी मतलब ये भी बहुत अजीब सी बात है कि मतलब आप क्राइम एक जगह पे कर रहे हो, वहां पे मतलब आपको जो है ना कोर्ट नहीं ले जाया जा सकते। ठीक है, फिर इसके बाद जो है जो क्वार्टरिंग एक्ट था, रीइंफोर्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि ज्यादा से ज्यादा जो फौज को लेकर आओ, और जो फौज की जो रहने सहने का जितना भी खर्चा है ना, वो भी कॉलोनी से लिया जाए। ठीक है ना, इंपीरियल कंट्रोल ज्यादा करने के लिए जो है ना इन लोगों ने जो क्वार्टरिंग एक्ट था ना, वो इन लोग फिर से ले आए थे। और एक ये था क्यूबिक एक्ट, इसमें यह था कि provided for a permanent civil government in Canada, freedom of religion was granted to the French colonists, which was quite distasteful to American Protestants. ठीक है, अदर American Protestants ये था कि अमेरिका जो इंग्लैंड से जो Protestants आए थे, वो लोग इधर इसलिए आए थे क्योंकि इंग्लैंड में जो है ना उनको religious freedom नहीं था। अब जो कनाडा में जो है इन लोगों ने एक सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी, तो वहाँ के जितने भी फ्रेंच कॉलोनिस्ट जो थे ना, उनको जो है ना कहते फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया था। तो वो लोग क्या, तो मतलब अब वही बात है ना कि मतलब आप लोग अपना घर बार छोड़ के, पूरी एक चीज छोड़ के आप दूसरे लैंड पे आते हो कि ताकि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल सके। ठीक है, और जो कनाडा की जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट थे, आप उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ना, वो आप लोग उनको ऐसे ही दे रहे हैं। तो ये जो चीज थी, ये जो है ना और भी इनको जो है ना क्या कहते हैं मतलब उनको बुरी लगना शुरू हो गई। तो ये जो है क्या कहते हैं मतलब ये जो सारी थी ना, ये देखो ये कितनी सारे जो है ना वो है क्या कहते हैं हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं, उसके नीचे लिखने का मटेरियल भी आपके पास बहुत है। ठीक है, इसको तुम लोग अभी ये भी काफी डिटेल में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे जो नोट्स थे, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उन सारों को जहाँ पे थोड़ी डिटेल की जरूरत थी वहाँ पे मैंने डिटेल लिखी है, और जहाँ पे मतलब इतनी डिटेल की जरूरत नहीं थी जब तुम लोग खुद पढ़ के बीतलो, तो वहाँ पे मैंने इतनी डिटेल नहीं लिखी है। लेकिन ये देख लो कि तुम लोग कितनी ज्यादा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है ना मिल रही है, और वो मटीरियल भी मिल रहा है जो तुम लोगों ने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के नीचे लिखना है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये जो है ये सारे वो, अच्छा, ये कॉलोनियल प्रोटेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, और बाकी अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो। जी फातिमा, आपको कोई सवाल है? हेलो, जी जी बोले। ऐमन, आप सवाल उस पे लिख कर चैट पे भेज दे करें, आपकी आवाज मुझे नहीं आती होती। मैंने एक्सक्यूज तो मैंने किया हुआ है, लेकिन अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। लिख लो ना चैट पे, लिख लो, तुम लिख लो वहां पे सवाल लिख लो। ठीक है, या आपके माइक में कोई मसला है, आप अपना माइक वगैरह चेंज करें। ठीक है, चैट पे लिखो जो भी पूछना है, चैट पे लिखो। जबरदस्त, ये तो म्यूट भी नहीं हो रही। अच्छा, बाकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। जी हीरा, सर आपने प्रमोशन एक्ट में कहा कि उन्होंने लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी न्यूयॉर्क की असेंबली, उसकी पावर्स उन्होंने ले ली। तो उसकी वजह से आपने कहा कि गवर्नर की जो पावर थी वो ज्यादा होगी, गवर्नर जो था वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर नहीं आता था, वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय कॉलोनाइजर्स था, या क्या? नहीं नहीं, अच्छा चले मैं बताता हूँ। जो गवर्नर जो होता असल में इसमें सर होता था कि एक जो
पहले हुरिया ने भी हमें समझाया था इसके ऊपर, एक जो काउंसिल होती थी ना पहले जब कॉलोनीज जब बन रही थी, ठीक है, एक काउंसिल होती थी वो कॉलोनीज के कॉलोनीज में ही होती थी, वो जो सारी चीजें हैं ना वो डिसाइड वगैरह करते थे, उसको जो रिप्रेजेंटेटिव या जो हेड होता था ना वो गवर्नर होता था। इसके बाद एक और काउंसिल होती थी जो कि इंग्लैंड में डिसाइड करती थी, और वो जो है ना मतलब जो कॉलोनी में जो काउंसिल होती थी वो उस काउंसिल के अंडर होती थी। अब गवर्नर ये होता था कि गवर्नर का जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना किंग के अंडर आता है, जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान में जितने भी गवर्नर्स हैं वो डायरेक्ट जो है ना प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं, मतलब उसका चीफ मिनिस्टर या इनके साथ कोई किसी किस्म का कोई भी काम नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है ना। इसी तरह वहाँ पे जो गवर्नर जो थे ना उनका इस इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ कोई काम नहीं होता था, ठीक है, मतलब वो लोअर हाउस होते थे, वो वहाँ पे क्या कहते हैं लॉज वगैरह पास कर रहे होते थे, उनको किसी थोड़ी बहुत जो है ना सेल्फ गवर्नेंस जो है ना उनको दी हुई होती थी। लेकिन इसमें बात ये होती थी कि गवर्नर को थोड़ा बहुत वो कंट्रोल करने के लिए उनके पास ये पावर थी कि हमने गवर्नर को कितनी पे देनी है और ये पे हमने इसको इस बार देनी है या नहीं देनी है, ठीक है ना। तो ये उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती थी। तो जहाँ कहीं पे गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली का क्लैश आता था आपस में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को प्रेशराइज करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है ना, वो उसकी तनख्वाह जो पे वगैरह होती थी वो उस वक्त रोक लेती थी, ठीक है। तो इसी तरह जब न्यूयॉर्क असेंबली ही खत्म हो गई, जब उससे वो लेजिस्लेटिव पावर्स ही ले ली गई है ना, तो उनके पास वो पावर जो गवर्नर को कंट्रोल करने की या प्रेशराइज करने की अपनी बात मनवाने की जो पावर थी ना वो उससे ले ली गई थी, ठीक है। जब आपके पास लेजिस्लेटिव पावर्स ही ना हो तो फिर मतलब आप किस तरह मतलब उसको कंट्रोल कर सकेंगे गवर्नर को। तो इसकी वजह से ये था कि गवर्नर को एक ज्यादा फ्री हैंड मिल गया था, ठीक है, जो कि असेंबलीज जो डिसाइड कर रही थी, मतलब उसको जो एक ज्यादा फ्री हैंड मिल गया था अपनी बातें मनवाने का और उसी तरह तरीके से काम करने का जिस तरह उसकी मर्जी थी। मतलब वो जो असेंबली जो उसके काम में रुकावट होती थी ना तो वो जो है ना उससे ले ली गई थी, ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा ठीक है, सही। और किसी का कोई सवाल हो तो। ये लेक्चर सीरीज, अच्छा ओके सर, ये ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673 रिपीट कर दें, ठीक है। ड्यूटी एक्ट ऑफ 1763 कहाँ पे है? कहाँ पे ड्यूटी एक्ट ऑफ 1763 अच्छा द ड्यूटी एक्ट कहाँ पे तुम कहाँ पे तुम्हारा दिमाग अच्छा द ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673 टू एनफोर्स प्रेजेंट एंड प्रीवियस एक्ट सीरियस रिजेंटमेंट बाय 1758 ड्यूटी एक्ट था ना ये कोई मतलब कोई ये एक्ट इन लोगों ने इसलिए एमन वो किया था क्या कहते हैं मतलब जो बाकी के जितने भी प्रीवियस जितने भी जो एक्ट इन लोगों ने जो दिए हुए थे ठीक है नेविगेशन एक्ट हो गया ये जो इन्यूमरेटेड कमोडिटीज एक्ट वगैरह हो ये ठीक है ना इनको एनफोर्स करने के लिए जो प्रेजेंट जो एक्ट ये लोग पास कर रहे थे और इससे पहले इन लोगों ने जितने भी एक्ट पास किए हुए थे ना उनको ठीक तरीके से एनफोर्स करने के लिए जो है ना इन लोगों ने जो द ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673 जो था ना ये इन लोगों ने पेश किया था ठीक है इसमें कोई इतनी उसकी बात नहीं है ये जब तुम आप जब बुक पढ़ेंगे तो फिर आपको जरा ठीक पता चल जाएगा ठीक है यहाँ पे मुझे लगता है यही सी की मतलब जो मेन बात वो यही थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखी हुई ठीक है सही है। अच्छा फिर आ जाते हैं यार जिसने भी ये ब्लू वाला गंथ किया है ना या अगर मुझे पता चल गया ना फिर तुम लोगों के साथ मैं समझूंगा कॉलोनियल प्रोटेस्ट ठीक है अच्छा ये जो है रिजल्टेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू द ब्रिटिश अच्छा अब ये सारा जो सब कुछ हो गया है ना इसके बाद जो है ना ये कॉलोनियल प्रोटेस्ट वगैरह जो है ना शुरू हुए ठीक है ना तो रिजल्टेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू द ब्रिटिश पॉलिसी ठीक है
what could happen in Massachusetts could happen in any other country. Supplies were sent to the beleaguered colony from the other 12. ठीक है, colonies जो हैं वो एक पेज पे आना शुरू हो गए. ये जो है ना, ये बॉस्टन टी पार्टी के बाद, और ये जो इन लोगों ने जो ये वाले जो एक्ट बनाए, बॉस्टन पोर्ट बिल, मैसाचुसेट्स गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है ना, इस सब के बाद जो है ना कॉलोनियल प्रोटेस्ट वगैरह हुए. ठीक है, तो उन लोगों ने ये हुए कि इन लोगों ने है ना एक ऑर्गेनाइज, मतलब 13 की 13 कॉलोनीज जो है ना वो एक साथ एक पेज के ऊपर आ रही थी. और मैसाचुसेट्स को क्योंकि उनका क्या कहते हैं पोर्ट भी बंद हो गया है, ठीक है, और बाकी सारी इनके साथ भी ज्यादा वगैरह बहुत हो गई, तो सारी की जो बाकी की जो 12 कॉलोनीज थी वो ये करना उन्होंने ये शुरू किया कि ये लोग जो मैसाचुसेट्स है ना उसकी तरफ जो है ना क्या कहते हैं सप्लाईज वगैरह इन लोगों ने है ना भिजवाना शुरू कर दें. ठीक है, अच्छा, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसाचुसेट्स अपॉइंटेड अ कमिटी टू कन्वीन कह सकते हैं to convene the committee of correspondence from other colonies to decide a plan of action. We वो जो क्या radicals हैं, ठीक है ना, वो radicals की जो देखो वो जो इन लोगों ने जो उस वक्त जो है ना election हार के इन लोगों ने जो मैसेच्यूसेट्स के अंदर जो इन लोगों ने बॉस्टन के अंदर वो बनाया क्या कहते हैं कम्युनिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनाई, और दो सालों के अंदर अंदर इन लोगों ने जो उसको स्प्रेड आउट किया था, अब उसका रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसेच्यूसेट्स ने किया कि कम्युनिटी को अपॉइंट किया, ठीक है ना, और उन लोगों ने किया कि मतलब ये जो कम्युनिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो थी जो कि 13 की 13 कॉलोनीज में मौजूद थी ना उनको कह के तुम लोग मिलो, ठीक है ना, और कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है ना वो डिसाइड करो कैसे हम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है या क्या करना है कि हम लोग जो है ना इसको वो कर सके, क्या कहते हैं मतलब जो मैसाचुसेट्स के साथ जो ज्यादतियां हो रही है ना इसको हम लोग रिवर्स कर सकें. ठीक है, तो जो जब वो कमेटी मिली है तो उन लोगों ने द कमेटी प्रपोज एन इंटर कॉलोनियल कांग्रेस, दिस मार्क द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो देखो कांग्रेस के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले हुई है अल्बानी कांग्रेस हुई है, ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन सी कांग्रेस हुई थी, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस, ठीक है ना, और उसके बाद ये कम्युनिटीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनी है, और उसके बाद ये जो इंटर कॉलोनियल कांग्रेस, ठीक है ना, ये इसका जो कांग्रेस का जो स्टार्ट है ना ये तुम लोगों ने अगर इसके ऊपर कहीं भी सवाल आ जाता है, ठीक है ना, पहले तो मैंने देखा नहीं लेकिन फिर भी मतलब ऐसे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जो इंटर कॉलोनियल जो कांग्रेस बनी थी इसमें फिर एक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी थी, इंटर कॉलोनियल कांग्रेस जो थी ना इसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, और इसके बाद एक दूसरी कांग्रेस बनी थी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है ना, तो ये जो चार कांग्रेस है ना, अल्बानी कांग्रेस, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और ये सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है ना, तो ये तीन चार को तुम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि तुम लोगों को इसकी एक हिस्ट्री का पता हो. ठीक है, तो फिर जो है ना प्रिपरेशन ऑफ वॉर, ठीक है, अच्छा द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ये जो है ना ये जो इन लोगों ने इंटर कॉलोनियल कांग्रेस को जो इन्होंने बुलाया है ना वो ये जो है ना इसको ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वॉर में पहला पॉइंट है हमारे पास द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, दूसरा पॉइंट है द ब्रिटिश रिएक्शन, तीसरा है द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ठीक है ना, फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में उन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दी थी. ठीक है, उसमें जो है हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या था. ठीक है, फिर वॉर का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ, फिर द पीस ट्रीटी ऑफ 1783 और इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे और इसका फिर रिजल्ट और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. तो इसके साथ जो है ना तो जो अमेरिकन वॉर जो है ना वो खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो इसमें जो है पढ़ते हैं कि मतलब पहली फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में फिर क्या हुआ. ठीक है, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस अगेंस्ट द कोर्सिव एक्ट, 56 delegates from all the colonies met at Philadelphia except Georgia. ठीक है, Georgia के अलावा जो है ना ये लोग क्या कहते हैं बाकी सारी colonies के तकरीबन कोई 56 delegates जो थे ना वो लोग मिले थे इधर ये Philadelphia में. ठीक है, तो इन लोगों ने जो है ना फिर इन लोगों ने कुछ resolutions वगैरह पास किए थे जिसको कहते हैं Suffolk resolves. ठीक है ना, अच्छा, फिर इस रेजोल्यूशन में इन लोगों ने जो है ना जितने भी एक्ट्स इन लोगों ने अभी तक जो किए थे उनको तो पहले इन लोगों ने क्या किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, आपके पास ये राइट ही नहीं है. अच्छा, फिर दूसरे लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैसाचुसेट्स जो है इसने है अपनी गवर्नमेंट बनानी है. ठीक है ना, और इसी ने जो है ना क्या कहते हैं अपने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं.
ठीक है ना, मतलब हम लोग मतलब इन लोगों ने जो कुछ भी उन लोगों के जो एक्ट वगैरह जो भी थे ना उन वो मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। दूसरा इन लोगों ने ये कहा था कि कॉलोनीज जितनी भी कॉलोनीज जो है ना उन लोगों ने है ना अपनी मिलिट्री वगैरह बनानी है, अपनी आर्मी वगैरह बनानी है, ठीक है। और चौथा इन लोगों ने ये कहा था कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है ना हम लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ लगाने हैं, मतलब वही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो चक्कर है ना कि वहां से कुछ इंपोर्ट नहीं करना, यहाँ से कुछ उनको ले जाने नहीं देना लग्जरी आइटम्स वगैरह, ठीक है। तो सफक रिजॉल्व में उनकी जो रेजोल्यूशन थी ना उसके जो मेन मेन तीन चार जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। फिर इन लोगों ने एक और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवियंसेस पेश किया जिसमें था कि लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी टू हैव, अच्छा इनका जो मेन नारा जो था ना वो ये था कि लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और वो लोग ये कह रहे थे कि हमें चाहिए हमें वही राइट्स चाहिए जो कि एज फ्री इंग्लिश सब्जेक्ट जो लोग के इंग्लैंड में रिसाइड करो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे जो है ना, कहते हैं हमें उसी किस्म के राइट्स चाहिए जिस किस्म के राइट्स आप लोग उन लोगों को दे रहे हैं, अगर उस किस्म के राइट्स आप लोग हमें नहीं दे रहे हो तो जाहिर ही बात है फिर आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कॉलोनियल असेंबलीज अलोन हैड द पावर टू टैक्स एंड फ्रेम इंटरनल पॉलिसी, ऑल एक्ट्स एक्सपंज्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमिटीज इन एवरी कॉलोनी फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ये जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस थी ना इन लोगों ने मतलब जो सेल्फ गवर्नमेंट जो ये लोग चाहते थे ना उसको इन लोगों ने मतलब एक नया फेस दे दिया था, एक नया चेहरा दे दिया था, मतलब बहुत ज्यादा मतलब सारे जो हैं असल में यूनाइट हो गए थे, यूनिटी की वजह से इनको बहुत ज्यादा पावर मिल रही थी। तो जब ये 13 की 13 कॉलोनीज एक ही चीज डिसाइड कर रही हो और वो लोग जो हैं 13 की 13 कॉलोनीज एक ही चीज के ऊपर डिसाइड करी थी और एक ही पेज के ऊपर थी, तो उन लोगों ने जो है ना जितने भी उनके एक्ट्स वगैरह थे उनको मानने से इनकार कर दिया था और बस अपनी वो जो सेल्फ गवर्नमेंट थी ना उसके ऊपर शुरू हो गए थे, और इसलिए उन लोगों ने जो है ना अपनी आर्मी वगैरह भी रेस करना शुरू कर दी कि कल तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ लड़ती है या हमारे खिलाफ कोई भी आर्मी वगैरह रेस करके हमारे ऊपर अटैक वगैरह करती है अपने इंपीरियल कंट्रोल को हमारे ऊपर लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट को सप्रेस करने के लिए, तो उन लोगों ने कहा था कि जितनी भी जो 13 कॉलोनीज जो है ना ये लोग मिलिट्री रेस करेंगे और उस हिसाब से रेस करेंगे कि जितना उनके हर कॉलोनी के पास वेल्थ है और कितनी उसकी पॉपुलेशन है, मतलब एक प्रोपोर्शनल हिसाब से जो है ना क्या कहते हैं वो लोग मिलिट्री को रेस करेंगे। जाहिर बात है जब आप लोग मिलिट्री को रेस करेंगे या अपनी आर्मी बनाएंगे तो उसको फिर रखने के लिए जाहिर बात है आपको पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो पैसे और पॉपुलेशन और ये सारी जो चीजें थी ना वो प्रोपोर्शनल इस तरह की थी कि जितना भी हर एक कॉलोनी से हो सक रहा था डिपेंडिंग ऑन उनको उनके पास कितनी वेल्थ है उनके पास कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उस हिसाब से इन लोगों ने जो कंबाइंड जो इनकी मिलिट्री थी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना था, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जो है ना उसने तो ये डिसाइड कर लिया। अब इसके एज अ रिजल्ट जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसका जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई थी और इन लोगों ने जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवियंसेस पेश किए थे और जो सफिक रिजॉल्व्स था इसका ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था, ठीक है। उन लोगों ने आगे से क्या किया कि उन लोगों ने जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जो कुछ भी डिसाइड किया था उन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रिजेक्ट ऑफ कॉलोनियल डिमांड termed Massachusetts as rebellious by both the houses and any colony adhering to the First Continental Congress. उन लोगों ने ये कहा कि Massachusetts जो है वो rebellious हो गई है, ठीक है, और क्या कहते हैं First Continental Congress के साथ जो से भी colony First Continental Congress में part ले रही है और मतलब First Continental Congress में जो ये जो suffix resolves और declaration of rights and grievances जो है इसके साथ खड़ी हुई है, ठीक है ना, तो ये सारी जो है ना ये rebellious है, ठीक है। उन लोगों ने और भी जो है क्या कहते हैं कोर्सिव मेजर्स वगैरह लेना शुरू कर दिए, ठीक है। उन लोगों ने रिस्ट्रेनिंग एक्ट ऑफ 1775 पेश किया, ठीक है, और वो ये था कि मतलब जो कॉलोनियल ट्रेड थी ना उसको लिमिट किया जाए, ठीक है, और जो उनके पास जो फिशिंग राइट्स थे वो भी उनसे ले लिए गए थे, मतलब उनको अब जो फिशिंग करने की भी इजाजत नहीं थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना एक नया मैसाचुसेट्स का गवर्नर आया जिसका नाम जनरल केज था। Provincial Congress formed by colonizers of Massachusetts and started preparing for war. Soon apprehensions grew. Militiamen broke into Fort William and stole guns and ammunition. अच्छा फिर इस तरह हुआ कि मतलब जो वहाँ पे उन लोगों ने नया गवर्नर वगैरह अपॉइंट किए, ठीक है, और जो जो मैसाचुसेट्स की जो आवाम थी
ठीक है, और जो उस वक्त का जो गवर्नर था उनके दरमियान जो है ना थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जिसको हम लोग कहते हैं ना स्किर्मिशेज या झड़पे वगैरह जो है ना वो होना शुरू हो गई थी, और एज अ रिजल्ट ये था कि मतलब पार्शियल विक्ट्रीज हो रही थी दोनों साइड्स पे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो जनरल केज था ये जीत रहा था, दूसरी तरफ जो है ये जो आम आवाम जो थी, ठीक है ना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ ये लोग जो है ना ये लोग जीत रहे थे। तो अगर यहाँ तक अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो फिर मुझसे पूछ लो। हेलो, क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ब्रिटिश, अच्छा फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होगी, ब्रिटिश रिएक्शन हो गया, ठीक है, उन लोगों ने ये सब कह दिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना सेकंड कॉन्टिनेंटल, अच्छा अब एज अ रिजल्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई है, ठीक है, उन लोगों ने वो सारी बातें की हैं, फिर जो है ना एज अ रिजल्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम लोगों की मतलब उन्होंने कॉलोनियल डिमांड्स को सारा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये कह के जो कुछ भी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के साथ खड़ा होगा वो रेबेलियस होगा, और एज अ रिजल्ट जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना मैसाचुसेट्स के अंदर स्किर्मिशेस वगैरह जो है ना वो शुरू हो गए विद पार्शियल विक्ट्रीज फॉर बोथ साइड्स। अब ये सब होने के बाद जो है ना सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है ना उसको बुलाया गया, अब उसने फिर आगे से क्या किया, ठीक है, फिर अच्छा मे 10, 1775 फिर ये उधर ही मिले हैं, ठीक है, ऑल कॉल, अच्छा फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि सारी कॉलोनीज ने जो है ना ऑल कॉलोनीज टू प्रिपेयर फॉर वॉर, टर्म्ड ब्रिटिशर्स एज एग्रेसर्स एंड डिक्लेयर्ड वॉर अपॉन देम, कॉन्टिनेंटल आर्मी टू बी रेज्ड विद जॉर्ज वॉशिंगटन एज कमांडर इन चीफ, और उनकी जो आर्मी थी वो 400,000 की थी, ठीक है। तो जब ये सब कुछ होने के बाद सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब वो लोग हमारे साथ लड़ने के ऊपर उतर आए हैं, अगर वो हमारे साथ लड़ने के ऊपर उतर आए हैं तब हम लोगों को भी उनके साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों ने इंटर कॉलोनियल आर्मी जो है ना वो रेस की है, जॉर्ज वॉशिंगटन जो था वो उसका कमांडर इन चीफ था, और जो पूरी जो वो है क्या कहते हैं जो आर्मी थी वो उसकी जो तादाद थी वो 400,000 की थी, 400,000 की, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम किया था, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना ये जरा तुम लोग है ना पढ़ लेना, एक बार सारा पढ़ लेना, और उसमें से तुम लोगों के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो है ये भी तुम लोगों को पता चल जाएगा, और दूसरा ये उसमें से तुम लोग अपने लिए थोड़े एक छोटे छोटे जो है ना, असल में वो है इस तरह की कि उसमें इन लोगों ने पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखे, मतलब सेंटेंस उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, मतलब ज्यादातर वो है ना बहुत उसको प्रोलॉन्ग किए हुए, ठीक है, लेकिन उसमें से अगर तुम लोग उसको याद कर सकते हो, अगर इसके ऊपर सवाल आ जाए तो उसको तुम लोग वहाँ पे कोट कर सकते हो एज इट इज, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ इतना याद रख लो कि पार्ट वन में क्या, पार्ट टू में क्या, पार्ट थ्री में क्या, ठीक है। तो इन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो की थी। अच्छा, अब इसको कहा जाता है अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट इन मैन्स ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक है, हेल्ड बाय द फ्रेंच। अब फ्रेंच इसको क्यों इतना, इसके ऊपर इतना क्यों खुश हो रहे थे, वो इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि वो लोग इंग्लैंड से अमेरिका में जो है ना हारे हुए थे, उसको जहाँ से इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने जो है ना निकाला हुआ था, तो वो लोग तो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से इंग्लैंड से अपना बदला ले सके। तो फ्रेंच ने है ना इसको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा सराहा था इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को, ठीक है। अच्छा, इट वॉज पास्ड ऑन July 4, 1776 बाय द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। उसमें उन लोगों ने यह कहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसलिए था क्योंकि उनको पता था कि जितने भी कॉलोनियल लीडर्स थे ना उनको पता था कि अगर हम लोग इनके साथ लड़ेंगे नहीं और ये लोग आएंगे हम लोगों को पकड़ लेंगे तो इन लोगों ने फिर हमें मारना ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग आपस में यूनाइट हो जाएं, अपने आप को भी बचाने के लिए, इस लैंड को भी बचाने के लिए, जितने भी लोग हैं ना मतलब अपना कंट्रोल इसके ऊपर, मतलब अमेरिका को या अपनी जो कॉलोनीज हैं ना उसके ऊपर अपना कंट्रोल ज्यादा करने के लिए हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसके जो पार्ट वन है, ठीक है, वो उसके जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है वो ये है, a profound and eloquent statement of a political philosophy, the philosophy of democracy and freedom as per their rights emanating from the law of nature,
justified their uprising also with the historical background of the world related with political bonds. पहला जो पार्ट है ना ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये लोग मतलब इन लोगों ने इसको कुछ इस किस्म की शेप दी हुई थी कि मतलब वो लोग कह रहे थे कि हर इंसान का जो मतलब जो बेसिक राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके बारे में लोगों ने बात की हुई थी, ठीक है. फिर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी है और इंडिविजुअल राइट्स वगैरह जो है ना, उन लोगों को इसने इन लोगों ने कनेक्ट किया था लॉ ऑफ नेचर के, मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो है ना हमारे पास एक वो है क्या कहते हैं हमारे पास हमारा राइट है कि हम लोग ये डिटरमिन कर सकें कि हम लोग अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहते हैं, हमारे हमारी गवर्नमेंट किस तरह होगी, तो मतलब इन टोटल हमारी लाइफ किस तरह होनी चाहिए, ठीक है ना. तो पॉलिटिकल फिलॉसफी को और डेमोक्रेटिक फिलॉसफी को है ना उन लोगों ने जो है ना कनेक्ट किया हुआ है उस एक पैराग्राफ में लॉ ऑफ नेचर के साथ, ठीक है. और फिर उसको हिस्ट्री के साथ भी इन लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है कि कैसे जो प्रीवियस जितने भी जो क्या कहते हैं प्रीवियस जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हुई है, जो लोग गुजरे हुए हैं, उन लोगों ने कैसे जो है ना मतलब इस चीज के साथ उन लोगों ने अपने आप को लेकर चले हुए. तो वो जो एक पैराग्राफ है ना, वो जब तुम लोग असल में जब पढ़ लोगे तो इस चीज की तुम को जरा ज्यादा समझ आ जाएगी. लेकिन सर असल में ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थॉमस जेफरसन ने लिखा था ना, हु देन बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सर इसने ये जो आइडिया था ना पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये उसने जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी डिराइव की थी. वो नेचुरल राइट्स की बात करता है, तो ये जो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी वाले राइट्स हैं, ये सारे जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में से इन्होंने लिए हैं. तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड यही था कि उसने उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पे बेस करके जो है तो ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है तो फॉर्मुलेट किया था थॉमस जेफरसन ने. ठीक है, सही है, ठीक है, सही. तो ये जो है ना, अच्छा ये उसने उससे वहां से लिया था, जॉन लॉक से लिया होता, जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी से. जी सर, सही है, ठीक है ना. तो पार्ट वन जो था उसका बैकग्राउंड जो है ना, मतलब जब आप ये एक ही पेज और ये कोई तीन पैराग्राफ्स हैं, उसका जो पहला पैराग्राफ है ना पार्ट वन वो ये है. फिर पार्ट टू में उन लोगों ने जो दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है ना, उसमें उन लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस डिजाइन टू प्रूव दैट जॉर्ज III had subverted American freedom. मतलब देखो पहले उन लोगों ने बताया कि कैसे फ्रीडम जो है हमारा फंडामेंटल राइट है खुदा की तरफ से भी, ठीक है. उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्ट करते हुए उन लोगों ने पहले वो एक्सप्लेन किया. और दूसरा जो है ना नीचे फिर आके उन लोगों ने बताया कि कैसे जॉर्ज III ने है ना अमेरिकन फ्रीडम को जो है ना सबवर्ट किया हुआ है, ठीक है. फिर है ना उसी held him responsible for the war. जो जॉर्ज III था ना उसी को जो है ना ये सारी जो फसाद मचा हुआ था ना उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है. कुछ तकरीबन 26 प्लस grievances जो थी ना उन लोगों ने पार्ट टू में जो है ना लिखी हुई है उसके खिलाफ, ठीक है. और उसमें जो है उन लोगों ने कुछ लिखा हुआ कि इसने मतलब हमारी कंसेंट के बगैर जो है हमारे पर टैक्सेस लगाए हैं, इसने हमारे पीपल को हैरेस किया है, इसने जो है कटिंग ऑफ ट्रेड विद ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और एक्सट्रेडिशन, मतलब जितने भी इन लोगों ने जो एक्ट्स लगाए हुए थे ना वो इन लोगों ने इसको ग्रीवियंसेस की फॉर्म दे के है ना वो पार्ट टू में लिखा हुआ है. फिर पार्ट थ्री में जो है इन लोगों ने ये लिखा हुआ कि डिसॉल्व ऑल पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, विद फुल पावर्स टू लेवी वॉर, कंक्लूड पीस कॉन्ट्रैक्ट अलायंसेस, एस्टैब्लिश कॉमर्स एंड टू डू ऑल अदर एक्ट्स एंड थिंग्स व्हिच इंडिपेंडेंट स्टेट्स मे हैव राइट टू डू, ठीक है ना. पार्ट थ्री में मतलब पहले पार्ट थ्री में आके उन लोगों ने ये कहा, जो उनका थर्ड पैराग्राफ वगैरह जो बनता है वो उन लोगों ने ये कहा है कि मतलब हम उन लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनके जितने भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन थे, मतलब जो उनकी कॉलोनीज, हम लोग जो हैं ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं, वो उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, नल एंड वाइट कर दिया, ठीक है. उन लोगों ने ये डिक्लेयर किया है कि हम लोग जो है ना फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है ना. और उन लोगों ने अपने आप को नाम दिया था द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. और जिस तरह के एक स्टेट के पास पावर होती है कि वो जंग कर सके, वो जो है पीस ला सके, ठीक है, किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जो है ना किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट या अलायंस या क्या कहते हैं ये कर सके, ठीक है, और ट्रेड एंड कॉमर्स कर सके एंड ऑल अदर एक्ट्स एंड थिंग्स व्हिच इंडिपेंडेंट स्टेट्स मे हैव द राइट टू डू सो, ठीक है. तो इन लोगों ने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ना इन लोगों ने ये किस्सा किया था कि बस हम लोग जो है ना तुम लोगों से हमारा जो हर किस्म का कनेक्शन जो है ना वो खत्म हो गया, ठीक है ना. मतलब हम लोग बस अब इंडिपेंडेंट है, अब तुम लोग जो चाहो कर सको, हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंट हो गए.
तो ये होने के बाद जो है ना फिर जो है ना जंग वगैरह शुरू हुई, द वॉर, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम लोग अभी आते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का वॉर, ये क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से कोई सवाल हो तो जरा पूछ लो। है किसी का कोई सवाल? बोले अच्छा नहीं है सवाल तो चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा क्या टाइम है? 4 बजे। अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग हैं ना आ जाते हैं द वॉर पे। अच्छा अभी जो द वॉर पे मैंने लिखा बैटल ऑफ बंकर हिल, रेडिकल कैप्चर ऑफ असेंबलीज, बैटल ऑफ, ये मुझे लगता है आखिरी थी ना। अब इसमें यार डिटेल थी और मैं कह रहा था मैं तुम लोगों को क्या उसमें डिटेल, वो तुम लोग खुद पढ़ लो ठीक है ना। बहुत ज्यादा उसमें लिखा हुआ था कि कैसे, बस उसके ऊपर वो सारी कहानी की गई है कि ड्यूरिंग वॉर जो है ना क्या क्या हुआ है ठीक है ना। इतनी कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस वही है कि कितनी डेथ्स वगैरह हुई है, कैसे कोई एक वॉर वो लोग जीते हैं, कोई एक वॉर ये लोग जीते हैं। लेकिन उसमें जो मेन बात है ना फ्रेंच अलायंस की, ठीक। अच्छा इसमें और ये दो तीन जो है ना, ये दो तीन, ये बैटल ऑफ बंकर हिल, रेडिकल कैप्चर ऑफ असेंबलीज, बैटल ऑफ सरगोराटा है कि पता नहीं क्या है ये, ठीक है ना। इसको जो है ना इसको जरा तुम लोग डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन इसकी वो जो मेन मेन वो जो बहुत सारी बातें उनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ पढ़ लेना कि तुम लोगों को पता हो ना कि इन बैटल्स के ड्यूरिंग दीज बैटल्स क्या हुआ है, ठीक है। इसमें जो मेन बात है ना फ्रेंच अलायंस की भी है, इस पर है ना थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इन लोगों ने क्या किया था। इन लोगों ने 1778 मतलब इन लोगों ने अच्छा 1776 में इन लोगों ने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना इन लोगों ने वो कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों की क्या कहते हैं जंग वगैरह शुरू हो गई। जो जॉर्ज वॉशिंगटन था इनका क्या कहते हैं चीफ इन कमांडर था, वो लोग आपस में लड़ रहे थे, कभी एक जगह पे लड़ रहे थे कभी दूसरी जगह पे लड़ रहे थे, बस कभी क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स को थोड़ी बहुत विक्ट्रीज मिल रही थी किसी एक बैटल में, कभी जो है जो कॉलोनियल आर्मी थी उसको वो मिल रही थी। लेकिन मुझे लगता है जो थर्ड नहीं ये बैटल, ये बैटल ऑफ सरगोराटा क्या है यार, ये जो है ना इसको, ये मुझे लगता है ये आखिरी इनकी बैटल थी। लेकिन उसमें जो मेन बात है ना सब में वो थी द फ्रेंच अलायंस, ठीक है। हसीब अब्दुल क्या कहते हो, ब्रेक ना खुली हो 15 मिनट सर। जी बोले क्या, कौन बोल रहा था सर? बैटल ऑफ सारातोगा, SARATOGA। क्या है बैटल ऑफ सारातोगा? SARATOGA। अच्छा बैटल ऑफ सारातोगा, ठीक है लेते हैं बस ये थोड़ा फ्रेंच अलायंस वगैरह पढ़ लेना, फिर ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स की, ठीक है। तो अच्छा द फ्रेंच अलायंस में इन लोगों ने ये कहा था ना कि इफ 1778 में था, उन लोगों ने ये कहा था कि इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट फ्रांस एंड अमेरिका टू बी ऑन वन साइड, क्योंकि अब फ्रांस ने तो अपना बदला लेना था इंग्लैंड से किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो वो लोग इस उसमें बैठे हुए थे, तो अमेरिका ने ये किया, होशियार तो ये लोग बड़े थे, इन लोगों ने ये किया कि इन लोगों ने फ्रेंच के साथ जो है ना अलायंस जाके कर लिया। उस अलायंस में ये था कि अगर अमेरिका में जहाँ पे कहीं पे भी वॉर होगी ना, फ्रांस और अमेरिका जो है ना वो एक साइड पे होंगे, ठीक है। दूसरा उन लोगों ने ये कहा था कि जब तक कि दोनों पार्टीज जो है ना उनकी फॉर्मल कंसेंट नहीं हुई होगी ना, तो किसी किस्म का भी ट्रूस क्या कहते हैं किसी किस्म की कोई ट्रीटी वगैरह जो है ना नहीं साइन की जाएगी, ठीक है। नंबर टू और तीसरा ये उनका वो था कि जब तक के इंडिपेंडेंस यूएस को पूरी तरीके से नहीं मिल जाती ना, तब तक भी किसी किस्म की भी ना कोई ट्रीटी की जाएगी ना किसी किस्म की ट्रीटीज की जाएगी, ठीक है ना। सो द फ्रेंच एंड अमेरिकन ट्रूप्स अंडर वॉशिंगटन, और ये जो इनका ये जो था क्या कहते हैं फ्रांस का, ठीक है, इन लोगों ने जो है ना एट यॉर्कटाउन सराउंडेड ब्रिटिश ट्रूप्स 1781 द कॉलोनिस्ट्स इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। मतलब ये देखो 1776 में उन लोगों ने क्या किया,
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की और 1781 मतलब 5 साल बाद जो है ना मतलब इस ड्यूरिंग दिस 5 years इन लोगों की मतलब ये जो है ना ये 3-4 चीजें जो हैं ये बैटल ऑफ बंकर हिल ये जो है इंपॉर्टेंट है रेडिकल कैप्चर असेंबली बैटल ऑफ सैराटोगा जो है ठीक है ना ये जो है ना मतलब ये जो 5 सालों में ही हुए बस आखिरकार जाके जो है ना फ्रेंच का जो कमांडर था लेफेट था और अमेरिका का जो कमांडर था जॉर्ज वॉशिंगटन था और यॉर्क टाउन में जाके इन लोगों ने ब्रिटिश ट्रूप्स को सराउंड कर लिया था मतलब बाय 19 अक्टूबर 1781 द कॉलोनिस्ट इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस ठीक है ना तो ये जो थी सारी कहानी जो थी ना उसकी थी बैटल ऑफ ये कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अब इसके नीचे फिर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या ट्रीटी हुई है ट्रीटी के क्या जो थे पॉइंट्स वगैरह तो उसके सिग्निफिकेंस और रिजल्ट क्या था ठीक है तो यहाँ तक अगर किसी को कोई इस बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ पूछ लें कोई भी अब यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है किसी एक्ट से कुछ ना कुछ समझ ना आई हो या किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो ना तो वो ज़रा पूछ लो तुम लोग हेलो क्लियर है अच्छा हो रही है आपने कुछ ऐड करने अगर आपको कुछ पता होगा मुझसे कुछ मिस हो गया हो या किसी और ने किसी ने भी कुछ पढ़ा हुआ हो तो सर ठीक था सर बस आप ऐसा करें हमें ये अपना वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दें क्योंकि आपने टाइमलाइन काफी अच्छी बनाई हुई है ना हाँ ये मैंने उस वक्त भी कहा मेरी हसीब के साथ उस दिन बात भी हुई थी उससे मुझे लेकिन मैं वो नेट वहाँ पे ठीक नहीं था ये मैं इंशाल्लाह ताला आज रात को जो है ना तकरीबन 9:30 तक मैं हसीब को सब कुछ भेज दूंगा और क्या कहते हैं जो भी अभी तक तैयार जो पड़ा हुआ है ठीक है ना और उसके बाद जो है फिर वो तो हसीब और तुम्हारा काम है तुम लोग फिर ड्राइव पे अपलोड कर देना ठीक है मैं कोशिश करूंगा जो लेक्चर्स भी हैं वो भी तुम लोगों को अपलोड भेज दें मुझे कहते हैं कि तुम मुझे ईमेल कर देना ठीक है ना थैंक यू सर हाँ इमन की सवाल है आपका बैटल ऑफ सैराटोगा नहीं सर अच्छा ठीक है सही है शादाब अच्छा तो ये हो गई सारी बात चलो ठीक है अभी हैं 4 बजे में ना 4:15 4:20 पे कंटिन्यू करते हैं सर सब्र करो 1-2 मिनट ठीक अभी जाओ नहीं अच्छा फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ी है और इसकी अलग ही एक कहानी है लेकिन यह है कि मतलब ये सर मेरी आवाज आ रही है हाँ हाँ आ रही है अब आ रही है हेलो जी जी सर ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला फिर किसी लेक्चर में पढ़ लेंगे सर ये फिर हमसे मिक्सअप हो जाएगा ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये कॉन्स्टिट्यूशन हाँ हाँ नहीं ये जो आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है ना इसमें जो पहला है क्या कहते हैं द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो तो मतलब यहाँ से ये मतलब क्या कहते हैं होगा शुरू होगा ठीक है मतलब वो तुम्हें वो का फ्लो ब्रेक नहीं होगा ठीक है ना वो तो उसका फेमस नहीं है लेकिन ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फिर वो भी काफ़ी बड़ी है तो पहले मैं तो ये कहता हूँ कि ये तुम लोग यहाँ तक कर लो तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये चीज़ें तो इस तरह लेक्चर में पढ़ लेना है सुन लेना तो आसान है लेकिन फिर जब वो होते हैं ना क्या कहते हैं फिर जो जब खुद पढ़ने के लिए बैठोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फिर सारी चीज़ें क्योंकि कॉलोनाइजेशन अमेरिकन वॉर और ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये तीनों जो है बड़े बड़े वाले टॉपिक्स हैं तो ये खैर फिर अगर अभी नहीं हो सका तो खैर रात को फिर अगर कहते हो तो 9 बजे से लेकर फिर 12 बजे तक कोर कर लेते हैं अगर फारिग हो तुम लोग तो मैं तो कहता हूँ जितना मेजॉरिटी काम निकल जाए मैक्सिमम तो अच्छा होगा चलो ठीक है सही है इस तरह करते तुम लोग अभी लो 15-20 मिनट की ब्रेक फिर हम लोग इस तरह करते हैं कि जहाँ तक मुझे ठीक लगे ना कि जहाँ तक तुम लोग का फ्लो ना टूटे ठीक है ना तो वहां तक जो है ना फिर वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेंगे क्योंकि मतलब ये इसके क्या कहते हैं वही है कंटिन्यूएशन ही है कि मतलब फिर इनकी गवर्नमेंट किस तरह बनी है मतलब यहाँ तक इन लोगों ने वो कर लेना फिर इनको क्या मसाइल दरपेश थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने सारे टाइल्स खत्म करने के बाद जब ये लोग
खुद ही मतलब आ गए ना, मतलब अब सारा काम तो फिर लोगों ने खुद ही करना था, तो फिर वहां तक पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, बस फिर इंशा आप अपने ईश्व को भी देखे ना, हम लोग तो फ्री है। नहीं नहीं मेरा भी आजकल कोई इतना मसला नहीं है, जब इंशाल्लाह ताला अगर ऐसे कोई बात वगैरह होगी तो फिर मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। बस चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला क्या 4:15, 4:20 पे फिर मिलते हैं। बस चलो ठीक है, सही है, चलो सी यू। I'm calling, maybe I'm selfish.